तो भाई ये है आपके फर्स्ट चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जिसके बाद हम इसे अलविदा आराम से कह सकते हैं। तो भाई इसमें आपको दे रखे हैं चार पार्ट्स और हर पार्ट को हम सॉल्व करेंगे आराम आराम से। पावर्स, सबसे पहले मैंने आपको चीज़ बताई थी जो आपको नोटिस करनी है, वो है कोई भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है उसमें पहले ये देखो कि भाई आपकी पावर्स या बेस, पावर होती है जो ऊपर होते हैं, बेस जो नीचे, इन दोनों में से क्या सेम है। अब देखोगे आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेस सेम दिख रहे हैं भाई, टू और टू सेम है। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, (2:3.2)(1/5). देखो भाई हमारे बेस सेम दे रखे हैं, हमें पता है अपनी आइडेंटिटी कौन सी होती है, ए रेस पावर एम इंटू ए रेस पावर एन। इसको हम क्या करते हैं, केवल इसकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बेस को एज इट इज रखना है, केवल पावर को चेंज करना है। देखो टू को एज इट इज रखा, मैं दोनों के दोनों पावर्स को प्लस कर दूंगा, 2/3 + 1/5। जैसे आप सिंपल रैशनल नंबर्स को प्लस करते हो वैसे ही कर लो उसे भी। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, 3 और 15 को डिवाइड किया आपने, आंसर आया 3 5 5 2 10 प्लस 5 3 15 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, और मेरा यहां पे आंसर आ जाएगा 2 raised to the power 13/15। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो भाई अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है आपका, इसमें पावर के ऊपर बेसिकली पावर चढ़ा रखी है आपकी, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये भी होल पावर दे रखी है इसमें 7 की। अब जरा गौर से देखो, ध्यान से देखना से, कभी भी आपको ना फ्रैक्शन के ऊपर, पूरे होल फ्रैक्शन के ऊपर अगर पावर दी हो, इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि ये 1 के ऊपर भी 7 है अपॉन 3 के क्यूब के ऊपर भी 7 है, ठीक है। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इस स्टेप में मैंने यूज किया a अपॉन b का होल पावर, अगर मुझे m दे रखा है तो ये हो जाएगा am अपॉन bm। कुछ मत करो, ब्रैकेट हटा दो, m को इसके ऊपर भी चढ़ा दो और इसके ऊपर भी चढ़ा दो, सिंपल, ठीक है। इसके बाद 1 का 7 1 raised to the power 7, इसका मतलब क्या होता है भाई, 1 को मैंने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी 1 into 1 into 1 करते करते मैंने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर मेरा 1 ही आएगा, मुझे पता है। ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब जरा यहाँ पे गौर से देखो, नीचे वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए ना हमारी एक और आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वो लगेगी हमारी, यूजिंग a रेज टू द पावर m के ऊपर अगर मैं कोई भी n लगा दूं, यानी कभी भी आपके अगर पावर के ऊपर पावर हो ना, तो उसके लिए क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना m क्रॉस n, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं। 3 हम क्या करना है यहां पे भी, 3 को तो एज इट इज लिखो, ठीक है, बेस को आप एज इट इज लिखो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21। तो बेटा एक बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कि कभी भी ना आपको डिनोमिनेटर में पावर नहीं छोड़नी है, ठीक है, पावर कभी डिनोमिनेटर में मत छोड़ना, इसको हमेशा उठा के न्यूमिरेटर एंड पे ले आओ। कैसे, देखो बहुत सिंपल है, मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिखा, मगर जब इसको ऊपर ले आऊंगा ना, तो केवल इसके आगे एक नेगेटिव लगा दो। अगर नीचे पावर आपकी पॉजिटिव है, वो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है, और अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में भी देखिए, हमारी 2 टर्म्स हमें यहां दे रखी है, थर्ड पार्ट भी हमारा बहुत आसान है, 11 1/2 11 1/2 upon 11 1/4। देखो इसके लिए भी आपको सेम वही चीज देखनी, सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था, क्या सबसे पहले ये देखो कि भाई क्या दोनों के बेस या पावर में से कौन सी चीज सेम है। सेम यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, दोनों के 11 11, भाई बेस दोनों के सेम है, ठीक है। अब बेस दोनों के सेम है तो मुझे क्या करना है, यहां पे मैं यूज करूंगा अपनी आइडेंटिटी, कौन सी, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इक्वल टू a m माइनस n। मतलब कभी भी आपके अगर बेस सेम हो और दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हो, तो भाई वहां पर आपको क्या करना है, केवल उनकी पावर्स को माइनस कर देना है, फालतू में पूरा सॉल्व नहीं करना, केवल पावर्स को माइनस कर दो। ये आइडेंटिटीज हमें इसलिए दी होती है कि टाइम बचे हमारा, ठीक है। अब इसके बाद लिखना कुछ नहीं है मुझे, 11 को मैं एज इट इज लिखूंगा और ये हो जाएगा मेरा 1/2 - 1/4। एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी, जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है उसकी पावर पहले, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी पावर बाद में, ठीक है। अब इसके बाद वापस वही स्टेप मेरे, 11 1/2, अब मेरा 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे यहां पे, तो भाई 2 और 4 का एलसीएम आता है 4, और 2 2 4 होता है, 2 1 2 - 1, ये मेरा हो जाएगा 1/4, यानी 11 raised to the power 1/4। तो यहां मेरा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है हमारा। अब कहते हैं फोर्थ पार्ट पे, तो भाई फोर्थ पार्ट आपका कह रहा है 7 raised to the power 1/2, ओके, डॉट 8 raised to the power 1/2। फिर से बिंदी आ गई यहां पे, बिंदी का मतलब
बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब फिर से भाई आपको किसी भी चीज़ देखनी है कि क्या आपका बेस सेम है या पावर सेम है, और यहाँ मुझे दिख रहा है कि भाई मेरी पावर सेम है, बेस अलग अलग है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिर से, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें भी, एक्स रेस टू पार ए डॉट वाई रेस टू पार ए, ये हो जाता है मेरा एक्स वाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक केवल जो उनके बेस हैं बेटा आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, पावर को एज इट इज कॉमन निकाल के चिपका दो, ठीक है। चलिए 7 7 49, 7 8 56 की पावर 1/2। अच्छा एक बढ़िया चीज, कभी भी आपके अगर पावर 1/2 हो ना, इसका मतलब है कि वो है अंडर द रूट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आएगा अंडर रूट 56, भी आप इसे लिख सकते हो या फिर आप इसे 56 1 अपॉन 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर, खत्म हमारा यहां पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अगली प्लेलिस्ट में। सो कीप क्रैकिंग द कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू।